मैंने बाइक उस टाइम चलाई, उसके बाद मुझे और ज़्यादा क्रेज़ हो गया बाइक्स का। तो दिन ब दिन मैंने देखा बहुत सारे लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो फिर मैं इस फील्ड में आई कि मैंने सोचा नहीं मैं व्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि कश्मीर में कोई लड़की व्लॉगिंग नहीं करती थी। तो फिर मैंने ये फील्ड चूज़ किया, मुझे मोटो व्लॉगिंग करनी है। सईद मिसबा है और 5 साल से मुझे बाइक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो 5 साल पहले की बात है, मैं अपने कज़न के साथ थी, उन्होंने मुझे बोला था, ऑफ़र किया था बाइक राइड करो, बट मुझे ऐसा लगा वो मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैंने बाइक उस टाइम चलाई, उसके बाद मुझे और ज़्यादा क्रेज़ हो गया बाइक्स का। तो दिन ब दिन मैंने देखा बहुत सारे लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो फिर मैं इस फील्ड में आई कि मैंने सोचा नहीं मैं व्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि कश्मीर में कोई लड़की व्लॉगिंग नहीं करती थी। तो फिर मैंने ये फील्ड चूज़ किया, मुझे मोटो व्लॉगिंग करनी है, क्योंकि फर्स्ट फीमेल मोटो व्लॉगर हूँ जी। एक्चुअली जब मैं आई सोशल मीडिया पे बाइक के साथ, तो मुझे बहुत सारे बैड कमेंट्स मिले, तो बहुत सारा स्ट्रगल किया मैंने इस चीज़ के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, तो उन्होंने बोला हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप लोगों की कमेंट्स मत देखो। और ये बात है कि मैं डिमोटिवेट भी हो गई थी, 2 साल पहले मैंने ब्लॉगिंग की, लेकिन मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि जो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी लोगों के कमेंट्स से। तो फिर रिलेटिव्स ऐसे हर कोई बात करता था, तुम एक लड़की हो तुम ये क्यों करती हो। लेकिन मेरे हिसाब से गलत चीज़ नहीं है एक लड़की अगर बाइक राइड करती है, अगर वो करना चाहती है इस फील्ड में। और आजकल जैसे हम लोग देख सकते हैं, हम यूट्यूब से अपना कैरियर भी बना सकते हैं। एक्चुअली कश्मीर में मैं पहलगाम गई हुई हूँ बाइक पे, गुलमर्ग, अहरबल आता है हमारा, तो ऐसे बहुत सारी जगह है कश्मीर में जहाँ पर मैंने व्लॉग शूट किए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर है भी वो व्लॉग्स। 2.55 के सब्सक्राइबर है, मैंने 1 साल से बिल्कुल व्लॉग नहीं डाले हैं, तो पहले ही 2-3 मंथ डाले थे व्लॉग्स, तो अच्छा फेम मिला था मुझे। मेरी उनके लिए यही मैसेज है कि अगर वो ये फील्ड चूज़ करना चाहती हैं, वो अपने पेरेंट्स से बात करके इस फील्ड में आएँ। जैसे बहुत सारी लड़कियां मुझे मैसेज करती हैं कि हमें इस फील्ड में आना है, क्या हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। अगर आप चाहते हो, ये मेरे लिए भी अच्छी बात है कि मेरे साथ और भी लड़कियाँ ज्वाइन हो रही हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करके उनको कन्विंस करके इस चीज़ के लिए आप इस फील्ड में आ सकते हो। MBBS, BDS, M.Tech, B.Tech, MBA, BBA, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और दीगर पैरामेडिकल कोर्सेज करने हैं बहुत आसान, क्योंकि अब लेकर आ रहा है ग्लोबल इनोवेशन एजुकेशन कंसल्टेंसी सुनहरा मौका, जिसमें तमाम कोर्सेज करना है मुमकिन। तो देर किस बात की, विजिट करें एनबी हाउस, एक्सचेंज रोड ऑपोजिट एग्जिट गेट ऑफ मैकनाइज कार पार्किंग, लाल चौक। हमारे साथ रब्ता करने के लिए इन नंबरों पर कॉल करें 6005892835 और 7006559393 पर।